आप देख रहे हैं जीएम थंडी रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं वीडियो लोग साथ वीडियो देखते हैं वीडियो पे देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है जुनैद अकरम का और इसका टाइटल है मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसा लग रहा है क्या कि जुनैद अकरम भाई भी लगता है पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले हैं क्या? चलिए लेट्स सी कि भाई वीडियो में क्या बता रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, स्टूडियो लगा हुआ है माशाल्लाह। अभी हमने 3 और लोग हायर किए हैं, तकरीबन 30 का स्टाफ हो गया। एजुकेशन चैनल पे जोर से काम जारी क्योंकि हमें अपने ही बच्चों को पढ़ाना है, तो उस पर मेहनत चल रही है। मैं कहीं नहीं जा रहा। हाउएवर, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आर मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड राइटफुली सो, जिसका जहां रिस्क लिखा है अल्लाह की मर्जी से ही सब जाते हैं ना, इतना तो ईमान है हमारा। आज ही मेरी बेगम भी दिखा रही थी भाई, कोई इन्फ्लुएंसर है जो जिनकी रील थी कि खैर खैरियत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, गुड फॉर हर। अब हो ये रहा है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि भाई हमें पाकिस्तान में रहना है क्योंकि उनको शायद पसंद है 11वीं सदी में रहना, बट दैट्स देयर ओन चॉइस। हाउएवर, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आर मूविंग आउट। और मुझसे अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि जी बाहर कैसे जाएं, ये आपका दूसरा सवाल होना चाहिए। पहला सवाल आपका होना चाहिए कि जाना कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। अब मैंने अपने लिमिटेड तजुर्बे के हिसाब से एक ये थ्योरी बनाई है, मैंने दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और ये जरा मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला हिस्सा है शॉर्ट टर्म गेन्स बट लॉन्ग टर्म पेन, और दूसरा हिस्सा है शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन्स। अब मैं आपको पहले एक एक करके समझाता हूँ। पहला हिस्सा जो है शॉर्ट टर्म गेन वाला, वो क्या है जी? आपके अरब ममालिक, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आज भी आपका वीज़ा लग जाता है, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। आप पढ़े लिखे ना भी हो, मजदूर हो, मजदूर की भी नौकरी लग जाती है, व्हाइट कॉलर भी वहाँ जाते हैं, ब्लू कॉलर भी वहाँ जाते हैं, नौकरी लग जाती है, लोग अपनी फैमिली मूव कर लेते हैं, घर वर ले लेते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, लोगों को इन अरब ममालिक में जाके कोई कल्चर शॉक नहीं होता, राइट? अगर आप मुल्तान से गए तो गर्मी प्रीटी मच सेम ही होती है, दूसरे इलाकों से गए तो ज़रा गर्मी ज़्यादा लगती है। हाउएवर, आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह हलाल मिलता है, अजान की आवाज़ आती है, कल्चर कोई इतना डिफरेंट नहीं है, लगता है कि आप पाकिस्तान में कोई 8000 साल बाद आ गए हैं, तरक्की वरक्की दिख रही होती है आपको, राइट? तो ये शॉर्ट टर्म इसका गेन है। हाँ, अगर घर में खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी। ये जो वन लाइनर्स इनके होते हैं ना, वो बड़े चुभने वाले वन लाइनर्स होते हैं। अभी आप सोचिए कि एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान कहां है। आज बोले कि जी उधर जाते हैं तो आपको लगता है कि 8000 साल आगे के पाकिस्तान में आ गए। आप सोचिए कि अरब देशों से पाकिस्तान कम से कम 8000 साल पीछे है जुनैद अकरम के मुताबिक। तो अचीवमेंट है भाई ये तो पाकिस्तानियों की। इमरजेंसी हो गई, 1.5-2 घंटे की फ्लाइट ली, वापस पाकिस्तान आ गए, कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मैयत हो गई, तो लोग आराम से वापस आ जाते हैं और रिलेटिवली चीपर प्राइस में। खैर, अब तो क्या ही चीप है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, अब तो दुबई जाना भी एक लग्जरी में आ गया। हाउएवर, आपकी रीच में, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट टर्म गेन, बट लॉन्ग टर्म पेन क्या है? जिस तरह मौत का एक दिन मुतय्यन है, इसी तरह जीसीसी से वापस आने का भी एक दिन मुतय्यन है। एक ना एक दिन आपने वापस आना है, चाहे आप वहां 40 साल लगाएं, 45 साल लगाएं, 50 साल लगाएं, आपने एक दिन वापस आना ही है। मैं सिर्फ वहां 5 साल रहा हूं, तो जो यहां से लर्न करके गया और वहां जाके अनलर्न किया, मैं आज तक यहां सेटल नहीं हो पा रहा मेंटली। अब मजबूरी है, फिजिकली मैं यहां हूं, मेंटली मैं यहां सेटल नहीं हो पा रहा क्योंकि नहीं देखा जाता कचरा, नहीं देखा जाता रॉन्ग वे, समझ रहे हैं? तो जो इंसान 40-50 साल ऐसे माशरे में गुजारा और वापस आए, देखें वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 1970 में, 75 में, 80 में, एक बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़ के गए थे, वो जिस जगह गए वो और आगे है, और जब वापस आए ये और पीछे है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है, हार्ट डिजीजेज हो जाती है। जो लोग अच्छा वक्त गुजार के आए हैं, लंबा वक्त गुजार के आए जीसीसी में, खुद कमेंट में बता दे, वरना लोग बोलेंगे मैं भड़कियां मार रहा हूं। आते ही लोग बीमार हो जाते हैं, यहां पे सारे बैठे होते हैं चाचे ताए लूटने को, बड़ा जी नोट कमा के आया, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी। सीधे साधे लोग होते हैं, वहां कानून होता है, कानून को फॉलो करते हैं, सीधी सीधी डील्स होती हैं, यहां पे लोगों को चूने लगते हैं और वैसे भी लोग सेट नहीं हो पाते। तो शॉर्ट टर्म गेन क्या था? आराम से पहुंच गए, अच्छी लाइफ हो गई, सब कुछ हो गया, घर वर ले लिया, सब कुछ ठीक है, मगर पेन क्या थी जी? वापस आना ही आना है। अब आते हैं दूसरी स्टेज की तरफ, जो कि है शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन, यानी कि अगर आप किसी तरह पहुंच गए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका शॉर्ट टर्म पेन ये है कि जी वहां सेट होना मुश्किल है, कल्चर शॉक है, बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर है, हर बंदा टाइम पे आया था, ये बड़ा मसला है। अरब ममालिक में फिर वो ये ना इंशाल्लाह माशाल्लाह चलता है, तो जिस तरह यहाँ पे भाई इंशाल्लाह आ रहा हूं मैं, मुबीन भाई कल आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ही वहां भी चलता है। वहां पे कल्चर शॉक है, मौसम डिफरेंट है, अगर आप कैलगरी चले गए तो फिर अलग ही मुसीबत है, खाने पीने की दिक्कत है, हर जगह हलाल नहीं मिलता। अब ये कि थोड़ा बहुत हर जगह आपको डोनर वोनर मिल, बंदा रोज डोनर नहीं खाता ना यार, समझ रहे मेरी बात, फॉरन इतने पैसे नहीं बचते, टैक्स वैक्स लग रहा होता है, यहाँ आपको टैक्स
फ्री इनकम होती है जीसीसी वगैरह में, मगर वो भी दूसरे तरीकों से टैक्स लिया जाता है, आप बचाते कुछ नहीं हो मिडल ईस्ट में, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके साथ क्या होता है भाई, फिर अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई इमरजेंसी हो गई, फौरन नहीं आ सकते, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो आप चार बार सोचते हो यार $3,000-4,000 का टिकट है यार, मैं आऊँ नहीं आऊँ, और अगर निकलूंगा अभी तो मैं 36 घंटे बाद पहुंचूंगा, खुदा ना खास्ता कोई मैयत अटेंड करनी हो, तदफीन हो जाएगी। बहुत से लोग जो है आखिरी दीदार नहीं कर पाते, बहुत कर्ब में रहते हैं, पेन में रहते हैं, साथ ही साथ मुश्किल लाइफ है, ठीक है। सुबह 4 बजे उठना है, अगर एज अ स्टूडेंट गए सुबह उठ के अखबार भी डालना है, सख्त मौसम में काम करना है, मतलब जो मेहनत है यहाँ कभी, यहाँ तो उठ के पानी कभी नहीं पिया, और वहाँ जाके आपको क्या कुछ नहीं करना होता, बाथरूम भी साफ कर रहे होते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं अच्छा यार हार्पिक भी कोई चीज़ होती है, इसको इस तरह डालते हैं, अच्छा कम्फर्टर भी कोई चीज़ होती है, यानी एरियल के साथ ये भी डलेगा, ऐसे कपड़े धुलेंगे, नई नई चीज़ें डिस्कवरीज हो रही होती हैं, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म पेन ज़रूर होता है, आपको सेटल होने में टाइम लगता है, घर से बहुत दूर होते हैं, ईद त्यौहार का कुछ पता नहीं होता, बकरीद पे भी आप यहाँ तो बकरीद में आप निकलें तो माहौल अलग होता है, वहां तो कुछ पता नहीं चलता, रोजे में ड्यूटी भी पूरी हो रही है, यहां तो आपको फिर 1 बजे बैंक बंद, 2 बजे बंद, घर चले गए वापस, समझ रहे हैं। तो वो वाले आप, और सिर्फ यही नहीं होता, रोजे में ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी वाला पूछ दे जो गैर मुस्लिम है, जैसा कि अभी चाइना वाले के साथ हुआ है पाकिस्तान में, कि चाइनीज मैनेजर था, चाइनीज फैक्ट्री का बंदा था, और ये लोग नमाज के नाम पर जो है वो घंटों गायब रह रहे थे, तो उसने कहा कि भैया ऐसे मत करो, ऐसे तो फैक्ट्री का भाटा बैठ जाएगा, आप लोग आइए काम करिए, और चूंकि फैक्ट्री पाकिस्तान में थी तो उसने बोला कि भाई कंपनी नुकसान होगा, लोगों ने उस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया, और आपको तो पता ही कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लग गई, मतलब कि भैया अब वो तो चाइनीज था, इस चक्कर में वो बेचारा लिंचिंग नहीं हुई उसकी, वरना भाई श्रीलंका वाले की हालत हुई होती, लिंच हो गया होता, सड़क पर जिंदा जला दिया जाता, और लोग सेल्फी ले रहे थे, आपको याद ही होगा कि उसको सेल्फी ले रहे थे लोग, लेकिन यहाँ पर अच्छा हुआ कि भाई चूंकि चाइनीज से मामला था, और चाइनीज चूंकि एक तरह से अब्बा हुजूर हैं पाकिस्तान के, तो बेचारे को पुलिस पकड़ के ले गई, अब वो बंद है, जेल में बंद है, पता नहीं आगे क्या हुआ उसका, कुछ आ नहीं रहा, लेकिन ये कि हालत बहुत ख़राब है। अगर आप उसको ब्लास्फेमी की सज़ा, तो पाकिस्तान में एक ही है मौत की सज़ा है, तो अगर मौत की सज़ा नहीं मिलती है तो लोग नाराज़ होंगे, और अगर उसे वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है चाइना, तो भाई आप देखिए क्या होता है, अगर उसको मौत की सज़ा हो जाए तो चाइना नाराज होगा, अब देखते हैं क्या होता है उसमें, क्या बीच का रास्ता निकलता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको रखेंगे लंबे टाइम तक, थोड़ा मामला शांत हो जाएगा, धीरे से उसको शिफ्ट कर देंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और धीरे से वो चाइना पहुंच जाएगा अपने आप, इधर अपना केस खींचता रहेगा, क्या दिक्कत है। तो ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान में, को ब्रेक्स भी नहीं मिलते, मुश्किल लाइफ होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन उसका क्या है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है, अगर आपकी चॉइस है कि जी मैंने वहीं रहना है, फिर आप जो है दूसरी चीज़ें आपकी बच्चों की स्कूलिंग वगैरह हो जाती है, कवर हो जाती है। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये वाली पॉलिसीज़ है, NHS आपको मिल जाता है, आपको मेडिकल मिल जाता है, आपके बच्चे फ्री में पढ़ लेते हैं, ये वाले आपको होते हैं। और ख़ास तौर पर मैं बच्चों को यही कहूँगा, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अमरीका है, अगर आप 19-20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में किसी तरह, अगेन हर कोई नहीं जा सकता भाई, बाप के अकाउंट में बहुत पैसे दिखाओ तो ही आपको वीज़े मिलते हैं वो वाले, तो अगर आप वहाँ पहुँच गए और आपने 10 साल लगा दिए, वो ऐसी जगह है, देखिए इमरान खान खुद क्या बोलते थे कि बाहर मुल्कों में सिस्टम ऐसा है कि जो टैलेंटेड आदमी है सिस्टम उसको ऊपर लेकर आता है, यहाँ आप जितना टैलेंट लगा लो, यहाँ पे आपको ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई रिटायर्ड बंदा बैठा हुआ है, या फिर कोई ना कोई किसी का भांजा किसी का भतीजा, सीट उसकी है, आपका कुछ नहीं। तो सिस्टम यहाँ पे ऐसा डिजाइंड है कि आप दीवार से ही लगे रहोगे, और एक पर्टिकुलर क्लास है वही यहाँ पे फलती फूलती रहेगी। हाउएवर आप अमरीका जैसे माशरे में जाते हो, या यूरोप में किसी जगह रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, वो माशरे जैसा कि अगर आप मेहनती हो और आप टैलेंटेड हो, आप खुद ही ऊपर आते हो। और अनगिनत मिसालें हैं, खुद लड़के कमेंट्स में बताएंगे, खावतीन कमेंट्स में बताएंगी, जो जिन्होंने आके बड़ी हार्डशिप्स की, बड़ा मुश्किल से गुजारे, लेकिन वो शुरू के 10 साल देने होते हैं, उसके बाद सुकून ही सुकून है। फिर आपके पास एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, आपकी इज्जत है, कल को खुदा ना खास्ता आपको यहाँ किसी ने कुछ कर दिया तो वही पूरी स्टेट डिपार्टमेंट उठ के आ जाएगा आपको बचाने के लिए, या तो आप अपने मुल्क में कोई मुँह नहीं लगाएगा ना आपको, वो आप ओवरसीज भी होगे, आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई यहाँ पे सिविल वॉर का खतरा है, फॉर एग्जांपल अगर आप अफ्रीका में जा रहे हो, आपको ईमेल गवर्नमेंट पूछती है आपसे कि भाई आप यहाँ आए हो, खैरियत से हो, यहाँ पे ये मसले हैं, ये एम्बेसी का नंबर है, कोई मसला हुआ, मतलब समझ रहे ना, आप कोई आपकी केयर करने वाला हो, यहाँ तो आप ऑन योर ओन हो, यहाँ पे आप चीज़ें बाय करते हो, सिक्योरिटी बाय करते हो, हेल्थ केयर बाय करते हो। खैर पाकिस्तान का मैं मुवाजना नहीं कर रहा, सो पॉइंट मेरा ये था, अब चूज आपने करना है कि देखिए सफरिंग तो इनएविटेबल है, ये बात तो मार्कस ऑरेलियस ने भी कही है और स्टोइक्स ने भी कही है कि भाई सफरिंग तो जिंदगी में है ही है, अब वो आपने पहले लेनी है या बाद में लेनी है, ये आपने चूज करना है। यू डोंट गेट टू चूज के पॉइजन
लेना है या नहीं लेना, पॉइजन लेना है, लेना कब है ये आपने चूज करना है। तो घर से दूर तो रहना पड़ेगा, अब वो आपने पेन अभी लेना है बाद में लेना है। जीसीसी ममालिक का फिर ये है कि आए दिन, अब देखें वो मोनार्की है ना, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, आए दिन रूल चेंज। चले जी अब फैमिली टैक्स है, अब एक फी बनता 4,000 रियाल पूरे साल का, जैसे सऊदी में पिछले कुछ 2-3 सालों पहले लगा ना, हर घर पे 20,000 रियाल की एक एक्स्ट्रा वो आ गई। तो इस किस्म की चीज़ें वहाँ ऐड होती रहती है, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उन चीज़ों को। आपको इवेंचुअली महंगा पड़ता है वहाँ रहना, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, मैंने खुद वहाँ रहा हूँ और मैं दोबारा चाहूँगा वहाँ रहूँ, लेकिन जहन में नशी ये करना है कि भाई ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये शॉर्ट टर्म गेन ज़रूर है, ये लॉन्ग टर्म गेम नहीं है। तो आपने जो है ना पहले ये चूज़ करना है कि पॉइजन कौन सा चाहिए, जाना कैसे वो बात की चीज़ है, पहले आप ये चूज़ करें। तो ये मैंने एक छोटी सी खुद ही मेरे जहन में एक चीज़ आई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बेचारे खुद ही उठ के चले जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर उनको लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं, एजेंट लग जाते हैं, वो पैसा खाते हैं, फिर कोई वादे करते हैं आ जाओ मैं नौकरी लगा दूंगा, या कोई कहता है अच्छा यहाँ नहीं आऊँ तो हालात ख़राब है, खुद वहाँ 40 साल से रह रहा होगा बोलेगा नहीं नहीं हालात बहुत ख़राब है। डिस्करेज करने वाले बहुत हैं, रास्ता दिखाने वाले लोग कम हैं। तो मेरी ये बस ये छोटी सी अदना सी कोशिश थी कि मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दिखा दूँ कि गेन्स और पेन्स दोनों जगह हैं, कब ले। देखे बुढ़ापे का पेन नहीं बर्दाश्त होता, जवानी में आप गिर जाओ चोट वोट लग जाए कोई मसला नहीं, आपकी बॉडी फौरन रिकवर करती है, 50 में गिरोगे ना तो घुटना लेके ही फिर कब्र में जाता है इंसान। तो पेन जिंदगी में जो भी लेनी है, चाहे वो दिल का पेन हो जिस्म का पेन हो, जितनी जल्दी ले सकते हो ले लो, बाद वाले पेन ना वो आपके साथ परमानेंट हो जाते हैं, फिर वो आप सस्टेन नहीं कर पाते। बॉडी है ना, इंसान है, फिर माइंडसेट भी जो है ना आपका ज़रा आपको वीक हो जाता है आपका। तो अल्लाह खैर करे, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, जहाँ जाएं खुश रहे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हक हलाल रोज़ी की तौफीक अता फरमाए, दुनिया पूरी अल्लाह की, एक्सप्लोर करें इसको। और मैं बिल्कुल इनकरेज करता हूँ दूसरी जगहों भी जाएं, वहाँ से तालीम लें, वहाँ से सीखें और फिर यहाँ आके लोगों को सिखाएं, ताकि लोग भी जो है अपने पैरों पे खड़े हों। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, आई होप किसी को मैंने ऑफेंड ना किया हो। कमेंट में अपने तजुर्बात ज़रूर लिखिएगा, वो लोग जो GCC में रहे और वापस आ गए 30-40 साल बाद, और वो लोग जो कि खाली हाथ गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेहनत की, लगन की, 5-10 साल दे दिए अपने आप को और फिर उन्होंने माशाल्लाह फिर एक एम्पायर खड़ी की। अपनी ज़रूर शेयर कीजिएगा, देखें आपकी सोच है, कितने लोग कहाँ कहाँ बैठ के आपकी बातों से इंस्पायर हो सकते हैं। मुझे कहाँ कहाँ से कैसा फीडबैक आया मैं सोच नहीं सकता था, मैंने एक छोटी सी बात कब किस मूड में कह दी थी, अगले ने अपनी लाइफ चेंज कर दी उस हिसाब से। तो बहुत केयरफुली कमेंट कीजिएगा और अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को भी इंकरेजमेंट मिले। अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है मैं वो भी वेलकम करता हूँ, मैं चाहता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन निकले इस वीडियो के जरिए, इस कम्युनिकेशन के जरिए, ताकि जो साथ हमारे बच्चे बच्चियां बैठे हैं, जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं, उनके लिए रहनुमाई हो सके। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और जो बातें इसमें जुनैद अकरम ने बताई हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं। हैरान इसलिए कर रही हैं क्योंकि देखिए अब यह तय हो गया है कि पाकिस्तान में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रोजगार नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो बंदा क्या करेगा, पैसे नहीं है, एक्चुअली पैसे नहीं है उनके पास, भीख मांगनी पड़ रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने देश के लिए। दूसरी बात जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है कि जी आप सेटल हो जाइए, लॉन्ग टर्म अभी पेन ले लीजिए, लॉन्ग टर्म गेन कर लीजिए। अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा सा जो विचार है ना थोड़ा अलग है। सवाल ये है कि चलिए मिडिल ईस्ट में या जो इस्लामिक कंट्रीज हैं आप उसमें जा रहे हैं तो चलिए वो ठीक है, लेकिन जो ये इनकरेजमेंट हो रही है कि यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, इसमें क्या हो रहा है? क्या अभी हमने देखा कि फ्रांस में क्या हो रहा है? फ्रांस में जैसे जैसे मुसलमान इमिग्रेंट्स जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वहाँ पर लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं, वहाँ पर शरिया लॉ लगाने की बात हो रही है, आप समझिए इस बात को। ठीक ऐसा ही ब्रिटेन में हो रहा है, ब्रिटेन में भी धीरे 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 संख्या बढ़ गई है, इनकी आबादी बढ़ गई है, जो माइग्रेंट्स आए हैं सालों से रह रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि जी वो उनके हिसाब से चीज़ें हों। आगे आने वाले देशों में अमेरिका हो और भी देशों, जहां जहां जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वहां पर दिक्कतें बढ़ रही हैं, और ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं, वहां से जो चीजें दिख रही हैं सामने आंखों के आगे जो दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इसकी वजह से। दूसरी बात मैं आता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने शायद पोलैंड है ना, पोलैंड जो देश है उसने इलीगल इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स पर बिल्कुल रोक लगा दी, अपने बॉर्डर सील कर दिए, बोले कि एक बंदा नहीं चाहिए इधर, तो उसका फायदा क्या हो रहा है? पोलैंड का हाल फ्रांस वाला या फिर ये ब्रिटेन वाला नहीं हो रहा। ग्रीस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन्हीं पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की वजह से, 50,000 से ज्यादा वहां पे या 50 लाख से ज्यादा वहां पे पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स पहुंच गए,
और उन सबको बाहर निकालने की तैयारी है ग्रीस में। ग्रीस में उनको अब पहचान कर उनका ठिकाना निकाला जा रहा है। वो टर्की के रास्ते घुसे वहां पर और टर्की ने घुसवाया वहां पर बॉर्डर से। तो अब जो है ग्रीस में पाकिस्तानियों की बजने वाली है बैंड, क्योंकि वहां पर सबको ढूंढ ढूंढ के वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल एक गारंटी है भरी, क्योंकि उनकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। वहां पर क्राइम्स बढ़ गया है, वहां पर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अपराध बढ़ गए हैं, मर्डर होते हैं, वसूली होती है, किडनैपिंग होती है, और इन सबके पीछे कौन है? पाकिस्तान है। तो मेरा यह कहना है कि भैया फैसला लेना पड़ेगा इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। आप लीगल तरीके से आइए, आप लीगल तरीके से आइए, विद पेपर्स आइए। कागज तो दिखाने पड़ेंगे ना बॉस, ऐसा तो नहीं होगा कि कागज भी नहीं दिखाएंगे और जाकर रह भी जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि भारत में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत में भी इलीगल जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। आप लीगल तरीके से आइए, आप भारत सरकार के पास एप्लीकेशन दीजिए, अपने कागज जमा कीजिए, अपनी वेयरअबाउट सब कुछ बताइए अपने बारे में। ये जो धीरे से घुसपैठ हो जा रही है, इसीलिए CAA NRC बहुत जरूरी है। अब लोग इसको गलत ले गए हैं, क्योंकि जिनको पता है कि जो घुसा रहे हैं अपने लिए लोगों को बिना कागज के, बिना उसके, उनका फायदा है उसमें। क्राइम करवा लो, टेररिज्म की घटना करवा लो, सब कुछ करवा लो, और नाम कहीं आएगा नहीं, इसीलिए वो लोग परेशान है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कड़े कानून बनाना, जैसा कि शायद पोलैंड ने किया जहां तक मुझे याद है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। सर भाई, जो भाई है जुनेद, जुनेद अकरम इसका नाम है, तो इसने भी मजाक में पाकिस्तान के जो है ना हकीकत बताई है, तो हमें तो है ही ऐसा 100% जो जुनेद अकरम ने ये बातें की है उसमें एक रत्ती भी नहीं है कि भाई एक रत्ती भी उसमें झूठ है। वो बिल्कुल हकीकत उसने बताई है। शॉर्ट गेन, जो 40 साल अमेरिका के मुल्क में रहता है, उधर के निजाम में रहता है, वो पाकिस्तान में आता है, वो कैसे इधर रह सकता है? कभी भी नहीं रह सकता। इधर का माहौल ही नहीं है कि वो इधर रह सके, और उधर जो फैसिलिटी हैं या उधर सहूलतें मिलती हैं वो इधर पाकिस्तान में मिले, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। माहौल ही नहीं ऐसा कि भाई उधर, इधर तो हर जगह पर कूड़ा क्रिकेट है, उधर हर जगह पर सफाई का निज़ाम है, हर चीज़ ईमानदारी से उधर निज़ाम है, जो भी है फैसिलिटी, जो भी अद्वियात है वो भी अच्छी है, खान पीन भी है वो भी अच्छा है। तो पाकिस्तान में रहना पहले की नस्बत जो इधर से 25 साल या 30 साल पहले का पाकिस्तान और अब के पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे वो अभी पाकिस्तान नहीं है, उससे कई दर्जे वो नीचे चला गया है। आप क्या कहना चाहेंगे असद भाई के, जो भाई जुनेद जो बातें कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और किस नज़र से आप देखते हैं? बिल्कुल, वो जो उन्होंने सोच देखी है पाकिस्तान की आम आवाम की, वो यही बात कर रहे हैं। आम आवाम की नहीं सोच, आपके मुताबिक जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में और बाहर की कंट्रियों में, जो हमारे फॉरनर इधर से गए हैं वो इधर आते हैं, वो सरवाइव नहीं कर सकते इधर पाकिस्तान में? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सारे ऐसे नहीं होते। हाँ, जहाँ तक उनका कहा जा सकता है ना, अभी 50% से 60% तक कह लें कि ऐसा है तो वो माने लायक बात है। यहाँ पर बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने ज़मीनें खरीदी, अपने कारोबार लगाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ नहीं कर पाते, ये भी हकीकत है। क्यों नहीं इधर रहते, मेरा सवाल है। मेरी बात सुनो ना यार, उन्होंने खुद पहले ही वाजे कह दिया कि वहाँ पर कवानीन जो है उन पर अमल किया जाता है और माहौल साफ होता है। मेरे भाई, हर चीज़ एक मैनेज, मतलब मैनेज की गई होती है, एक टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे होते हैं, और यहाँ पर तो कुछ ऐसा मालूम ही नहीं होता मेरे भाई, टाइम टेबल। वो श्रीलंका वाला केस देखे हैं? श्रीलंका के एक भाई को इसलिए मार दिया गया सिर्फ, उसने आई थिंक उसकी मशीन पे कोई तस्वीर लगाई गई थी, या उसने लिखा था या अली लिखा था, तो उसने कहा कि ये उतार दे, आई थिंक इस तरह का मैंने सुना था। तो उसने उतारने को जब कहा कि उतार दे, तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये गुस्ताख रसूल है, ये गुस्ताख है मौला अली, इसको उड़ा दो। मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी इतने कट्टरवाद हो गए हैं और असल दीन के तुम इनके नज़दीक तक नहीं गुजरा। यहाँ पर ये बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है भाई सर, मैं इस बात को खुद मानता हूँ कि जो लोग ठीक है ना, जो मजहब पर चल रहे हैं, उन्हें भी इस माशरे में चलनी बहुत तंगी है। बदनाम कर दिया और उन्हें बहुत तंगी है। चाइनीज के साथ भी यही किया ना, चाइनीज यही नहीं कहा कि आप टाइम पर आए, अपनी काम करें, अपना जो चाइना में है ना वो पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाता है, इधर पाकिस्तान में
कोई ऐसी ऐसा इदारा नहीं है जिसने बहुत मशहूर सा मकबूला मेरी तो बात सुने एक भाई, मेरी बात सुने आप बात करते रहना। बहुत मशहूर सा मकबूला मेरे भाई कि जो टाइम की कदर करता है ना उसे दुनिया याद रखती है। अच्छा, जो टाइम की कदर नहीं करता उसे दुनिया याद नहीं रखती। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मुझे बता दे जहाँ 100% जो मुलाजम है वो अपना टाइम स्पेंड करें उधर टाइम दे उसको दे रहे हो कोई भी ऐसा महकमा 100 में से 5% नहीं आपने सभी महकमों की बात कर दी तो उसमें आर्मी भी आती है मेरे भाई और आर्मी के डिसिप्लिन का आपको पता ही है आपका दोस्त है मेरा भी दोस्त था फैसल भाई वो क्या कह रहा था वो कहता है कि भाई हम जब होते हैं ड्यूटी पर कोई किसी किस्म का टेंशन नहीं होती हम चाहे अपना सो जाए या ड्यूटी करें वो एक सिविलियन है समझ भाई आम आदमी आम सा एक फौजी है मेरे भाई वो क्या है वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे हम रखते हैं ऐसे हैं जो मैं अपनी मिसाल देता हूं ना जो जेल पुलिस होती ना इधर एक्टिव एक्टिव होनी चाहिए आप बाहर की जितनी भी उनकी ड्यूटी होती 8 घंटे हो 4 घंटे ड्यूटी हो वो एक्टिव होते हैं बिल्कुल। मैंने आज देख रहा गुजर रहा था कि हमारी जो पोस्ट है ना जेल हमारे करीब ही है उसकी जो मेन है ना पोस्ट उस पर वो हमारे जवान थे राइफल थी खड़ी हुई हमें नजर आ रही थी फौजी सोया हुआ था ऐसे फौजी नहीं वाला पुलिस वाला और एक नहीं सोया हुआ था साड़ी साड़ियों पर बैठे हुए थे कोई मोबाइल के जरिए लगा हुआ था चौकी चौकी ऊपर वो पोस्ट बुर्जी, बुर्जी, बुर्जी। उस पर वो ऐसे मैं देख रहा था कुछ मोबाइल थे तो कुछ चाहे वो जो इधर से आए अंदर चला जाए वो क्या करेगा सेंट्रल जेल की बात सेंट्रल जेल की तो बात आप ना ही करें तो अच्छा है सेंट्रल जेल में वो तो आपकी बात ठीक है वो सो रहे हैं लेकिन सेंट्रल जेल में भाई कोई और एक कोई दीवार थोड़ी होती है 3-4 दीवारें हैं उसकी मेरे भाई दीवार की बात नहीं मैं और अंदर जो मेरे भाई अमला होता है वो यार उसकी ड्यूटी करने का क्या ड्यूटी वो तो कहा कि वो तो गलत कर रहे हैं वो तो मैंने कहा मेरे कोई राइट्स अपना और ये सेंट्रल जेल जो है ना पंजाब वाले इसमें मेरे भाई बड़े बड़े मतलब के जो तकड़े लोग होते हैं ना जिन्हें कहते हैं बड़े माफिया हम वो बात नहीं कर रहे असद भाई हम कर रहे हैं कि हम मुल्क को क्या दे रहे हैं कि जो हमारे यार हम मैं क्यों हर वीडियो में कहता हूं कि अगर हम खुद ना गंदे हों या खुद ना खराब हो तो निज़ाम खराब हो ही नहीं सकता मेरे भाई हमारा भी निज़ाम ही नहीं है जो हम यूरोप की तरफ देखें और उधर की जो फैसिलिटी है उसको भाई अगर आप ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो आपको जारी बात रिस्पॉन्स जिस तरह का आप अमल करना उस तरह का आपको रद्द अमल भी आना अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा यही फ़र्क है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नए वीडियो में नाट अब साथ तब तक दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।